सबसे पहले धर्म की हमें आवश्यकता क्या है। मानव जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। धर्म एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा यह गाइड करती है कि हम अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त हों, अच्छे कार्य करें जो एक दूसरे को समाज में हेल्प करते हुए देश का सर्वांगीण विकास हो। धर्म हमेशा अच्छाई की ओर हमें ले जाता है, धर्म हमेशा आध्यात्म की ओर ले जाता है। आध्यात्म का मतलब हमें अपनी आप से, अपनी आत्मा से संवाद करें। हम ये देखें क्या सही है क्या गलत, क्या मेरे किसी कार्यों से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के बिहेवियर पे कंट्रोल रखने के लिए धर्म की संकल्पना की गई है। धर्म की संकल्पना हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होता रहे, जहां वह गलत कार्य करता है तो उसके लिए वह पश्चाताप करे और फिर से नए सिरे से नई जिंदगी नए रूप में जीने की कोशिश करें। तो धर्म की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। सर, अगर धर्म की परिभाषा, सरल परिभाषा अगर कहनी है तो आप धर्म कैसे परिभाषित करेंगे? धर्म को परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा हमें इसके पूरे पिछले थोड़ा दूसरे ढंग से बोलता हूँ। मतलब मानव धर्म जिससे ना सबसे बड़ा मानव धर्म होता है, इसको मतलब धर्म की परिभाषा ये होगी सबसे बड़ा, जो आपने बोला ना एक बार बोला था ना कि लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा करने सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, धर्म की परिभाषा करने के लिए हमें इसके विस्तृत मीनिंग में जाना होगा। धर्म का मतलब दूसरों का, दूसरों के हेल्प करना, अपनी आत्मा से संवाद रखना। हमें यह सोचना है कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है और हमेशा अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होना ही धर्म की ओर हमें ले जाता है। यह बहुत दुखद बात है कि वर्तमान रूप में धर्म को हमने एक अच्छा रूप में नहीं विकसित कर रहे हैं और धर्म के जो धर्माधिकारी हैं वे इसे अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, नहीं सर, धर्म के बारे में कहा जाता है कि अच्छी बातें चाहे किसी भी धर्म की हो हमें ग्रहण करना चाहिए, तो आज तो एकदम ये दूसरे धर्म के नाम सुन के इतना मारामारी, इतना बेमनस्ता फैल जाता है, तो कोई कहां तक सही है? मतलब धर्म के बारे में एक्चुअली वास्तविक कहा जाए तो धर्म किसी भी जात पंथ समाज व्यक्ति का हो, मूल रूप से उसी में एक ही भावना होती है कि हमने अच्छा कार्य करना है और उस अच्छे कार्य के लिए हमें एक चीज से प्रेरणा लेनी है और जो प्रेरणा हम जिससे लेते हैं उसको हम धर्म गुरु, भगवान, हमारा अल्लाह, ईश्वर, अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। किंतु वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म के प्रति अंधविश्वास मुझे अपने लक्ष्यों से विपरीत ले जा रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, आपके किसी और के सब धर्मों को मेरे धर्म से नीचे मानता हूं और इस होड़ में मैं धर्म का जो उद्देश्य है कि अच्छे लक्ष्यों की ओर चलें, अच्छे लोगों का भला करें, अच्छा कार्य करें, वह नीचे हो रहा है, वह मूल रूप से छूट रहा है। इस धर्म के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, धर्म एक अफीम की तरह है। बहुत बड़ी किसी के ऐसा मतलब मार्क्सवादी को ये उसने बोला था कि धर्म लाइफ मतलब अफीम की तरह है। ये किस तरह से मतलब अफीम की तरह है? ऐसा मतलब उसको एकदम आदमी पागल रहता है उसके में, अगर उसमें जाता है धर्म अफीम की तरह है ऐसा किसी हमारे महापुरुष ने कहा है। उसका सीधा सा मतलब है कि जब हम धर्म में लीन तल्लीन हो जाते हैं तो शायद दुनिया की कोई दूसरी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसका एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मुंबई में बोरीवली इलाके में चार पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने आईटीआई से पढ़ाई की है, उन्होंने जैन धर्म स्वीकारना तय किया। तो ये तय कर लिया, इसका मतलब क्या? उन्होंने पूरी अपनी अपने धर्म में प्रवेश करने के लिए सांसारिक सभी सुखों का
त्याग किया, इसी का मतलब यह होता है कि धर्म में अगर हम पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं तो संसार की कोई भी भौतिक वस्तु हमें कोई महत्व की दिखाई नहीं देती है। और धर्म में तल्लीन होने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने धर्म के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे मार्गों के अलावा यदि किसी बुरे मार्ग का अनुसरण करता है तो धर्म का दुरुपयोग हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ।